दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ गोवन फेमस रशाद मसाले की रेसिपी शेयर की थी और आपको प्रॉमिस किया था कि अगली बार हम आपको इस मसाले का यूज करके फिश फ्राई करके दिखाएंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं ना रशाद मसाला फ्राई बांगड़ा टेस्ट करने के लिए? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गीता, टेस्टी गोवन हेरिटेज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको रशाद मसाले से कोट करके बांगड़ा फ्राई करके दिखाएंगे, लेकिन हम बांगड़ा हल्दी के पत्तों में लपेट के स्टीम फ्राई करेंगे। इसमें हम तेल का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आप टेस्ट करेंगे बांगड़े का असली स्वाद रशाद मसाला और हल्दी पत्ते की धीमी सी महक के साथ। पिछली बार जब हमने हल्दी के पत्तों में स्टीम फ्राई बांगड़े किए थे, तब इसमें हमारा रेगुलर फिश फ्राई का मसाला यूज किया था। आप लोगों को वो रेसिपी भी बहुत पसंद आई थी। उस रेसिपी को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, इसलिए आप सबका दही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको रशाद मसाला फ्राई बांगड़े भी पसंद आएंगे। चलो रेसिपी की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने दो ताजे बांगड़े लिए हैं। हमने इनको साफ करके कट मार के बाजार से ही लाया है, फिर इन्हें पानी से धो के थोड़ा सा नमक लगा के रखा है। अब बांगड़े की प्लेट लेके एक एक बांगड़े को रशाद मसाले से कोट करके लेते हैं। हमने दोनों बांगड़े के ऊपर चम्मच से रशाद मसाला डाल दिया। अब इसे स्प्रेड करते हैं। बांगड़े को अंदर से और बाहर से मसाला लगा के लेते हैं ताकि मसाला इनके अंदर तक जाए। दूसरे बांगड़े को भी इसी तरह से अंदर से और बाहर से रशाद मसाले से कोट कर देते हैं और प्लेट पर ढक्कन रख के आधे घंटे के लिए इन्हें मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर चार हल्दी के पत्ते लिए हैं। इन्हें मैंने पानी से धो के लिया और किचन नैपकिन से पोंछ लिया है। अब हमें इन पत्तों को इस तरह से थोड़ा सा आंच के ऊपर सेक के लेना है। थोड़े से आंच लगने से पत्ते थोड़े से मुलायम हो जाते हैं, नहीं तो ताजे पत्ते फोल्ड करते समय फट जाते हैं। आधा घंटा हो गया है, बांगड़े अच्छे से मैरिनेट हुए हैं। अब हम इनको तैयार किए हुए हल्दी के पत्ते के ऊपर रख देते हैं। इसके ऊपर दूसरा पत्ता रख के इसे इस तरह से पत्तों में लपेट देते हैं और टूथपिक लगा के सील कर देते हैं। गोवा में बारिश के मौसम में बहुत सारे हल्दी के पौधे उगते हैं और पत्तों की कोई कमी नहीं होती है। हाँ, मजा गोयकार फ्रेंडा विचारू सुत्ता तुम्हें रशाद मसालो लावून जायते फावटी नुसते खाल्ले असतले, पण तुम्ही केन्नाही रशाद मसालो लावून बांगडे हळदीचे पानन हे भाषेन भाजून खाल्ल्यात? ना नी, तर ते तुम्ही आता मुद्दम करून भाजून खाऊन पळयात। दुसरा बांगडा भी इसी तरीके से हल्दी के पत्तों में लपेट कर सील कर देते हैं। दोनों हल्दी के पत्ते पे लपेटे हुए बांगड़ों को पैन में रख देते हैं। दो तीन मिनट के बाद बांगड़े को पलट देते हैं। आप देख सकते हो पत्तों का कलर ब्राउनिश हो गया है और फिर से ढक्कन लगा के रख देते हैं। हमने पैन को तेल लगा के नहीं लिया है, आप चाहे तो पैन को थोड़े से तेल से ग्रीस करके ले सकते हो। थोड़ी देर बाद इसे फिर से पलट देते हैं। बैक साइड के पत्तों का कलर भी चेंज हुआ है। इस तरह से इसे दोनों साइड से अच्छे से सीक के लेना है। दोनों तरफ से बांगड़े अच्छे से सीक चुके हैं। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, इसके पत्ते हटा के देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। बांगड़े अंदर से पक चुके हैं। बिना तेल के हमने बांगड़ों को रशाद मसाला लगा के फ्राई किया है। पत्ते हटाने के बाद ये बांगड़े तंदूर फ्राई जैसे दिख रहे हैं ना? पकने में बोले तो बहुत ही रुचिक एंड टेस्टी बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।